मित्रों, ज्योतिष रतन लाइव के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज चर्चा करते हैं आप मकर राशि के जो जातक हैं कि उनका माह दिसंबर का राशिफल क्या कहता है, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आपके इस दिसंबर माह का ग्रह गोचर की स्थिति क्या कहती है। तो आइए जानते हैं, केतु जो कि आपके कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लगन में मकर राशि में विराजमान है, और मंगल आपके कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में कुंभ राशि में विराजमान है, राहु जो कि आपके कुंडली के सेवेंथ हाउस यानी कि सप्तम भाव में कर्क राशि में विराजमान है, और यहाँ पर शुक्र आपके कुंडली में दशम भाव यानी कि टेंथ हाउस में अपनी ही तुला राशि में विराजमान है। और मित्रों, सूर्य बुध और गुरु की जो युति है वो आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि इलेवेंथ हाउस में वृश्चिक राशि में बनी हुई है, और शनि आपके कुंडली के द्वादश भाव यानी कि ट्वेल्थ हाउस में धनु राशि में विराजमान है। तो ये तो है मित्रों माह दिसंबर की ग्रह गोचर की स्थिति। इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस माह दिसंबर में आप मकर राशि के जातकों की जो ग्रह गोचर स्थिति है वो क्या कहती है। बताना चाहेंगे कि केतु आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लगन भाव में मकर राशि में विराजमान है, मंगल आपके कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में कुंभ राशि में विराजमान है, राहु आपके कुंडली के सेवेंथ हाउस यानी कि सप्तम भाव में कर्क राशि में विराजमान है, और शुक्र आपके कुंडली के दशम भाव यानी टेंथ हाउस में अपनी ही तुला राशि में विराजमान है, और सूर्य बुध और गुरु की युति आपके कुंडली के एकादश भाव में यानी कि इलेवेंथ हाउस में वृश्चिक राशि में बनी हुई है, और शनि जो कि आपके कुंडली के द्वादश भाव यानी कि ट्वेल्थ हाउस में धनु राशि में विराजमान है। तो ये तो थी माह दिसंबर की आप मकर राशि के जातकों की ग्रह गोचर की स्थिति। मित्रों, इसी के साथ यह भी जानते हैं कि इस माह ऐसे कौन से ग्रह हैं जो अपनी राशियों को परिवर्तित कर रहे हैं, जिनका राशि परिवर्तन होने वाला है, और साथ ही कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उदय और अस्त हो रहे हैं या मार्गी हो रहे हैं। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूर्य 16 दिसंबर को अपनी ही मित्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और वहाँ बैठे हुए अपने शत्रु ग्रह के साथ युति बनाएंगे जो कि आपके कुंडली के द्वादश भाव में है। मंगल 23 दिसंबर को अपनी मित्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे जो कि आपकी कुंडली का तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस है। बुध पूरे माह वृश्चिक राशि में बने रहेंगे, लेकिन 2 दिसंबर को पूर्व में उदय होंगे और 6 दिसंबर को ये मार्गी होंगे। गुरु पूरे माह वृश्चिक राशि में ही बने रहेंगे, लेकिन ये 7 दिसंबर को पूर्व में उदय होंगे, और जब ये पूर्व में उदय होंगे मित्रों तो शुभ विवाह जैसे कार्य भी आप संपन्न कर पाएंगे। शुक्र पूरे माह तुला राशि में अपनी ही राशि में बने रहेंगे, शनि धनु राशि में ही रहेंगे पूरे माह, लेकिन ये 16 दिसंबर को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। राहु कर्क राशि में ही बने रहेंगे पूरे माह, केतु मकर राशि में ही बने रहेंगे पूरे माह। तो ये तो था मित्रों ग्रह गोचर स्थिति आप मकर राशि के जातकों का माह दिसंबर के लिए। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आप मकर राशि के जातकों का व्यवहार और व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं इस राशि के जातकों की जो प्रेम प्रसंग में रुचि कुछ कम ही होती है, तथा ये लोग बहुत विचारशील होते हैं और उत्तम विवेक शक्ति इनके अंदर देखी जाती है, और इसके साथ साथ ये सत्ता के प्रेमी भी बहुत होते हैं। तो ये तो थी इनकी कुछ विशेषताएं मकर राशि के जातकों की। आगे बात करेंगे इनके व्यवसाय के विषय में। तो बताना चाहेंगे कि इस माह आपके व्यवसाय में, चाहे आप नौकरी में हैं मित्रों या फिर आप व्यापार में हैं, तो ये माह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। आपकी पदोन्नति भी हो सकती है इस माह, और व्यापार में भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। आपके जो सीनियर भी हैं वो भी आपको सम्मान के साथ ही पेश आएंगे और आपसे सलाह मशवरा भी करेंगे, और नीति निर्धारण में भी आपका सहयोग प्राप्त करेंगे। तो ये तो है मित्रों आप के माह दिसंबर के लिए व्यवसाय की स्थिति, और आगे चर्चा करेंगे कि इस दिसंबर माह में आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहने वाली है।
आपकी वित्तीय स्थिति तो मित्रों इस माह काफ़ी संतोषजनक रहने वाली है, लेकिन धन के आगमन के साथ साथ व्यय भी पूर्ण रूप से रहने वाला है। लेकिन इसी बीच आप धन को संचय करने में भी सफल हो पाएंगे। तो मित्रों ये है वित्तीय स्थिति और आगे चर्चा करेंगे आपके प्रेम संबंधों के विषय में। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं मित्रों तो इस माह आपको अपने प्रेम संबंधों में सफलता के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप फिर भी प्रयास करते हैं या करेंगे तो अपना समय व्यर्थ में ही नष्ट करेंगे, हम तो इतना ही आपको यहाँ बताना चाहते हैं। इस राशि के जो जातक हैं उनको अपने वैवाहिक जीवन में भी पूर्ण रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी इस माह, क्योंकि किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर आपस में मतभेद हो सकते हैं और परिवार में तनाव भी बढ़ सकता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो परिवार में। आगे चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से तो ये माह आपके लिए सही नहीं है मित्रों। यहाँ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप पर शनि की साढ़े साथी भी चल रही है, और अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं या फिर लापरवाही करते हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से इस माह चिकित्सालय तक भी जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमारी आपको ये व्यक्तिगत सलाह है कि इस महीने आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। आगे चर्चा करेंगे आपकी संतान के विषय में। इस माह आपकी संतान अपने बुद्धि बल व ज्ञान का उपयोग करके अपने कार्य क्षेत्र या शिक्षा संबंधित कार्यों में आगे जाएंगे। आप भी संतान की उपलब्धियों से काफ़ी उत्साहित होंगे। आपकी संतान के कारण आपका समाज में मान भी बढ़ने वाला है, तो ये एक अच्छी शुभ समाचार है आपके इस महा संतान को लेकर। आगे ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि आपको अपने पूरे महा अच्छे परिणाम प्राप्त हों। तो मित्रों सूर्य देवता को जल अवश्य दीजिएगा, और दूसरा छोटा उपाय है कि शनि के मंत्रों का जाप करें या फिर शनि चालीसा का पाठ करें, यही आपके लिए उत्तम उपाय है। तो ये तो था मित्रों आप का राशिफल माह दिसंबर का। इसी के साथ हम आपसे बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि आप हमारे ज्योतिष रतन लाइव चैनल को लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो भी आगामी नवीन कार्यक्रम हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भरपूर लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय माता दी।